बीजेपी अपने विरोधियों को भी डायरेक्ट अटैक करती है और अपने सहयोगियों को भी परोक्ष रूप से धीरे धीरे उनको कमजोर करती रही है। यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रहा है, अब यहाँ पे शिवसेना की आइडियोलॉजिकल फजीहत होना तय है और ऐसी फजीहत होगी, ऐसी इनकी इमेज अगर ये सरकार किसी भी तरीके से नहीं बना पाए कि उससे उबरना या उस डेंट को मैनेज करना, रिपेयर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो डीलिंग नहीं हो पाई सही तरीके से, तब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया ना। आपने सीएम की कुर्सी तो मांग ली तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? और बच्चों की तरह जो करुण क्रंदन आप लोग कर रहे हैं, शब्दों का हेरा फेरी, आप बोल रहे थे कि ये मत बोलिए कि शिवसेना जो है सरेंडर नहीं किया है, हार गई है। मैं बोलता हूँ आपने जा करके इतने दिन में वहां क्यों नहीं बोला कि भाई हम सरकार बनाएंगे, हम पहले दावेदार हैं, राज्यपाल हमें मौका दे। आप तो कांग्रेस और कहां का एक चिट्ठी या एक मैसेज आप राज्यपाल तक नहीं पहुंचा पाए, पूरे देश में आपने ये मैसेज पहुंचा दिया इन 15-20 दिन में कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम डिगेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये डाटा, सुनिए सुनिए सर सुनिए, जो डाटा क्रंचिंग आज आप कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। चुनाव के पहले माइक्रो मैनेजमेंट आपने डाटा का किया होता तो आपकी सीटें 80-85-100 आ सकती थी, उसका फायदा ले सकते थे। अब दुविधा में दो गए माया मिली न राम, आपका माइक्रो मैनेजमेंट कितना सही है इसके लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। अब न एनसीपी आप आ रही है ना कांग्रेस, हालांकि मेरी बधाई है, आप सरकार बनाइए, आप सरकार बनाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आपका मैनेजमेंट दिख रहा है तो अब उसके लिए रोइए मत। तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं इतना? नहीं अभिषेक जी, दुखी कोई नहीं हो रहा सर, हम एक मिनट में बता रहा हूँ मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। मैं इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि शिवसेना जैसा विशाल व्यक्तित्व का एक पार्टी जो है वो चूक गई, डाल से चूका हुआ बंदर बंदर नहीं होता है। कैसे बन गई आपकी सरकार? शिवसेना से पूछिए ना, सरकार तो वो बना रहे हैं। आखिरकार क्या राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है महाराज? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं शिवसेना की सारी बातों को मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि इनकी महत्वाकांक्षा भी जायज है, हर आदमी पॉलिटिक्स करता है तो करता है। सवाल मेरा ये है कि इनके राजनीतिक सूझबूझ, उद्धव ठाकरे और इनकी टीम के जो लोग हैं, देखिए आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो सबसे पहले आपको तो पता था कि हमें नाता तोड़ना है, पहले दिन ही जाके आप बोल देते कि जी सरकार हम बनाएंगे। आप राज्यपाल तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाए कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास ये है, और ढोल नगाड़ा पूरी दुनिया में पीट दिया। अब सवाल ये है, अब राज्यपाल ने एनसीपी को दे दिया है, अब इसका मतलब क्या है? यानी एनसीपी होगी अगुआ, अब शिवसेना समर्थन देगी एनसीपी को, यानी शिवसेना आ गई सेकंड नंबर पे। जैसे एक मदारी डुगडुगी बजाता है ना, शिवसेना ने अपनी फजीहत 70-80 साल बाला साहब ठाकरे की जो अर्निंग्स थी, जो रेपो उन्होंने जो दबदबा डेवलप किया था वो यहाँ। मुझे दुख इस चीज का है जो एक सज्जन ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं, कि इतनी जबरदस्त उनकी अर्निंग थी, रेपो था, दबदबा था, सम्मान था, वो लगता है कि जैसे कोई एक कोई आदमी डुगडुगी बजाता है ना मदारी और बंदर नाचता रहता है। शिवसेना की ये हालत हो गई है कि अब एनसीपी को जा रहा है इनविटेशन, एनसीपी बोलेगी हम सरकार बनाएंगे और शिवसेना मजबूर हो जाएगी एनसीपी को समर्थन देने के लिए। हो सकता है मुख्यमंत्री पद भी ना मिले, मुख्यमंत्री एनसीपी का हो, तो हर चीज इनके हाथ से चलती चली जा रही है। इसीलिए मैंने बोला इतना माइक्रो मैनेजमेंट और नंबर क्रंचिंग आप कर रहे थे ना, ये सारी चीजें इलेक्शन के पहले कर लिए होते माइक्रो मैनेजमेंट, तो उसका फल आपको आज बहुत मीठा मिलता। देखिए मैं आपको बताऊं मैम होता क्या है, मैं इन सब चीजों को मान लेता हूं। देखिए राजनीति एक युद्ध है, मैं इसको भी गलत नहीं मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि सारी पार्टियां हैं तो इसीलिए है कि वो जीते, बेहतर परफॉर्म करें। सवाल यहां पे क्या होता है कि बीजेपी के सामने ये लोग क्यों नहीं टिक पाते हैं, जो देखने वाली बात है। पॉलिटिक्स बहुत उलझा हुआ सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और बीजेपी जो है ना हर माइक्रो और मैक्रो लेवल पे अपनी तैयारी पूरी रखती है। इस केस में आप देखिए शिवसेना इस कॉन्फिडेंस में नहीं थी कि उनको एनसीपी या कांग्रेस समर्थन देगी कि नहीं देगी, कोई गारंटी नहीं थी। ढोल उसके पहले ही आपने पीटना शुरू कर दिया। टाइम मैनेजमेंट देखिए, अपॉर्चुनिटी को बेस्ट एक्सप्लोर कैसे किया जाए, आप पहले दिन दूसरे दिन भी जाकर के अगर आप इतने फर्म थे कि हमें तोड़ना है, हमें रिश्ता तोड़ना है, तो पहले ही आप ये ऑप्शन करते। तो ब्रेक द आइस वाला जो प्रेशर होता है ना, ये लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं कि कब हिट करें, किस एंगल से करें, कहां करें। और इस सारे प्रकरण में शिवसेना की, अगर शिवसेना सरकार नहीं बना पाई किसी भी कारण से,
तो पूरी रेपुटेशन इनकी खत्म हो जाएगी जो भी महाराष्ट्र में है, और ये इनके लिए एक इतना बड़ा डेंट होगा कि सालों की जो इनकी अर्निंग है, इनका जो दबदबा बना है, जो इनकी इमेज बनी है, इतने घुटनों पे आएंगे कि इसको रिकवर करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पॉलिटिक्स, इतने आसानी से, इतने लापरवाही से, इतने इजी गोइंग वे में नहीं लेना चाहिए जो शिवसेना ले रही है। आज राज्यपाल इनको बाईपास करके उनको दे रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस को अगर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति, अगर तीनों पार्टियों चारों पार्टियों ने मना कर दिया, बीजेपी तो लेगी नहीं, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी को आप इनको कोसते रहेंगे, राज्यपाल को कोसिए, संविधान को कोसिए, किसी को भी कोसिए, आपका लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ ना। आप अपना गाल बजाते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपका लक्ष्य अगर नहीं पूरा हुआ तो आपकी सारी स्ट्रेटजी बेकार है। इस मामले में बीजेपी की एक खूबी है कि वो बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, अपने लक्ष्य के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और मोस्टली ज्यादातर चीजों में वो अपना लक्ष्य अचीव कर लेते हैं। दूसरी खास बात जो मैं बार बार विपक्षी दलों को बोलता हूँ कि देखिए बीजेपी भी तो आपकी राइवल है ना, बीजेपी अपने विरोधियों को भी कमजोर करती है, और एक चीज और जान लीजिए, और अपने सहयोगियों को भी कमजोर करती है ताकि उसका राज्य एक छत्र चले। उसके पीछे कारण है, कौन सी पार्टी किसी के समर्थन या बैसाखी के सहारे चलना चाहती है? बीजेपी के जितने समर्थित दल थे, आप देखिए बोलने को भले बीजेपी बोले, आप अपना दल को देखिए, यूपी में क्या हुआ, नीतीश जी को देखिए आप, बिहार में क्या हुआ, सब लोग धीरे धीरे करके कमजोर होते गए, प्रभावहीन होते गए। और बीजेपी, यही चीज जो मैं पहले दिन बोल रहा था, बड़ा अच्छा उनके लिए मौका है, इनकी फांस वहां पे जिनके ऊपर इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था वो शिवसेना के ऊपर रहना पड़ता था। अब इस सारे प्रकरण में बीजेपी कोशिश ये करेगी कि शिवसेना को जितना कमजोर किया जा सके, जितने मौके मिले वो करिए। इसीलिए इन्होंने सरकार नहीं बनाया, अगर चाहते तो सरकार ये भी बना सकते थे ना, शिवसेना के साथ भी बना सकते थे, ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो इन सब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सर। सर किसी से रहम की उम्मीद मत करिए, ना आप रहम करते हो ना दूसरा आपको रहम करेगा, कोई रहम करेगा तो अपनी शर्तों पर रहम करता है। अब अभिषेक जी कि मुख्यमंत्री पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये बात तो गई ना सर, अब एनसीपी एनसीपी के खाते में गया है, अगर आप उनको समर्थन देंगे तो उनकी भी नई शर्तें होंगी, कांग्रेस आती है उनके साथ में तो उनकी भी अपनी बातें होंगी। आप इनसे एक सवाल ये पूछिए, जिम्मेदार तो बीजेपी है। अरे सर हद हो गई, आप क्या बच्चों जैसी, आपका नुकसान हो गया और आप बस ये कर रहे हो ये जिम्मेदार। आप मुझे ये बताइए, आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि एनसीपी ये बोलेगी कि मैं समर्थन दे रहा हूं और मुख्यमंत्री शिवसेना का हो? इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा फेवर एनसीपी या कांग्रेस कर सकती है? एनसीपी करेगी? कितने कॉन्फिडेंट है आप? मिश्रा जी, जो स्थिति हमने कर्नाटक में देखी थी कि एकजुट होकर एक मंच पर, वो तो बड़ा जत्था था सब विपक्षियों का, एक साथ होकर हाथ मिलाकर वो खड़े हुए थे कि हमें एंटी बीजेपी सरकार बनानी है, बस बीजेपी को सत्ता से हटाना है, वो ताश की पत्तों की तरह धराशाही हुए। उस तस्वीर को देखने के बाद, उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद, उससे सीखने के बाद, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा बड़ा फैसला लेगी? क्या दोबारा से उसको वही परिस्थिति का सामना करना पड़े और फिर से फजीहत हो? देखिए मैम, प्रॉब्लम ये है ना, मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है फेनोमेनन है, और अपनी पास्ट की गलतियों के बाद भी अगर कोई इंप्रूव ना करे तो उससे कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसकी हालत वही होगी जो कांग्रेस की होगी, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कर्नाटक में बिना शर्त समर्थन इन्होंने दे दिया, अभी हरियाणा में रिजल्ट आए भी नहीं थे कि कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, वहां पे भी उनके समर्थन की सरकार नहीं बनी। मुंह पीट के लाल करने वाली बात है, कहने का मतलब केवल हाथ पकड़ के स्टेज से शो कर देने से वो चीज रियलिटी में नहीं आती है। एक महागठबंधन बनाने के लिए आपको पूरा एक डिटेल प्लान बनाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बड़ी खबर आ रही है अभी, एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हालांकि वो मिलने जा रहे हैं, अभी राजभवन की ओर निकले हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा, फोन करके हमें बुलाया गया था सरकार बनाने के लिए। अब खबर ये भी आ रही है कि एनसीपी क्लियर कह चुकी है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, मतलब स्थिति अब जा रही है राष्ट्रपति शासन की ओर और शिवसेना के हाथ लगा कुछ नहीं। मैंने वही बोला, मैंने देखिए इस चीज को पता नहीं ये लोग कोई राजनीतिक विश्लेषक या पार्टियां समझती हैं कि नहीं, मैं हमेशा से, अभी नहीं सालों से बोलता रहा हूं कि बीजेपी क्या किसी भी होशियार पार्टी की रणनीति है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, उसका एक छत्र राज्य रहे। वो क्यों 50 पार्टी के साथ तालमेल करके बनाए? ये तो सारी पार्टियां चाहती है ना। शिवसेना ने भी तो यही किया कि हम बनाएंगे जो है, हमारा मुख्यमंत्री हो, ये हो।
तो ये उसी चीज की परिणत है। देखिए बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने धीरज का परिचय दिया, बीजेपी को ये मौका मिला अपने सहयोगी को कमजोर करने का। बीजेपी अपने विरोधियों को भी डायरेक्ट अटैक करती है और अपने सहयोगियों को भी परोक्ष रूप से धीरे धीरे उनको कमजोर करती रही है। बीजेपी अपने विरोधियों को भी डायरेक्ट अटैक करती है और अपने सहयोगियों को भी परोक्ष रूप से धीरे धीरे उनको कमजोर करती रही है। यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रहा है, अब यहाँ पे शिवसेना की आइडियोलॉजिकल फजीहत होना तय है और ऐसी फजीहत होगी, ऐसी इनकी इमेज अगर ये सरकार किसी भी तरीके से नहीं बना पाए कि उससे उबरना या उस डेंट को मैनेज करना, रिपेयर करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और दो चार दिन और रुक जाइए, यही बीजेपी वाले जब शिवसेना के ऊपर अटैक करेंगे ना, तो अभी शिवसेना जो ये ऐसे बोल रहे थे ये लोग इतने दिन से, शायद उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। नहीं बन रही तो सारी जिम्मेदारी हमारी ना होकर कुछ हद तक जिम्मेदार या ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी भी है, जो कि अपने वादे को पूरा करने से मुकर गई। देखिए राजनीति में सर वो तो बोल रहे हैं सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो तो बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जी अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार आपने ठहराया कि 50-50 पे हुई थी सर, किसी न्यूज में नहीं आई। जितने जिम्मेदार आप हैं उतने ही जिम्मेदार, जब ये बात हुई चुनाव के पहले, ये किसी आपने अपने घोषणा पत्र में किसी मीडिया में कहीं बोला था सर? अब अंदर अंदर जंगल में मोर नाचा किसने देखा हमें तो पता नहीं, इतना चुनाव प्रचार किया आपने किसी मंच से क्लियर किया था? नहीं सुनिए, बीजेपी ने सत्ता का त्याग कर दिया, उनको राज्यपाल महोदय को बोल दिया हम सरकार नहीं बनाएंगे, आप भी बोल दीजिए हम नहीं बनाएंगे सरकार, ये कोई बात थोड़ी होती है सर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप भी बोल दीजिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, जरूरी थोड़ी है जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आपके अपने प्लानिंग्स है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा है। हमें जो पढ़ाया जा रहा है कि सरकार नहीं बन रही तो सारा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हरियाणा में पीडीपी को इनके और जेजेपी को इनके अगेंस्ट वोट मिले। सर हम आपको घी इसलिए पिला रहे हैं, आपको तेल मालिश इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक पहलवान मिला था, हमें लगा था कि ये एक पहलवान है, इसको घी पिलाओ। आप बताइए मेघालय में 2 सीट लाकर सरकार कैसे बन गई? सर आप 52 सीट लेके सरकार नहीं बना पा रहे, यही तो सीखने वाली बात है ना। मिश्रा जी एक और अपडेट हम आपको बता दें, कांग्रेस ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया। देखिए ये राजनीति है, ये दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, कि जब शिवसेना की बारी आई तब उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, हम बातचीत करेंगे, एनसीपी के लिए तुरंत बोल दिया कि भाई हम समर्थन में हैं, आप जो फैसला लेना चाहें आप फैसला ले सकते हैं, तो इसको राजनीति कहते हैं? यानी अब ये चली गई है एनसीपी के पाले में। देखिए एनसीपी क्या बोलती है कि हम सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, सरकार बनाएंगे तो नंबर गेम की प्रॉब्लम अगर उनको भी आती है। अब कुल मिला के ऑप्शन केवल एक बचा, एनसीपी और कांग्रेस एक हो गई। शिवसेना को बीजेपी के सामने झुकना नामंजूर था, लेकिन अब उन लोगों के सामने वो झुकेगी। अगर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के सामने झुकती है तो समझ लीजिए सत्यानाश हो गया।